सम्यक न्यूज लाइव्हच्या या बातमीपत्रामध्ये मी विजय निलंगेकर आपलं स्वागत करतो. पाहूयात सम्यक घडामोडी. फिनिक्स मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड. नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी. पूरे देश से जुड़े और विदेशों से जुड़े मेरे सभी क्रांतिकारी साथियों का मैं इस्तकबाल करता हूं, जय भीम करता हूं, स्वागत करता हूं. मैं आज एक गंभीर मुद्दे पे आप लोगों के साथ बात रखना चाहता था. कुछ हुआ है देश में और मैंने उस पर कुछ लिखा है, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं. मोदी सरकार आर्थिक आधार पे अपर कास्ट के लिए 10% आरक्षण देने की व्यवस्था कर रही है, जो देश के दलित पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, अल्पसंख्यकों के साथ बहुत बड़ा धोखा है. यह संविधान का खुला उल्लंघन है. संविधान में आरक्षण जातिगत असमानता के आधार पर है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है. यहां शोषण जातिगत आधार पर है, यहां जातिगत छुआछूत है, यहां जाति के लाभ पे लोगों को मारा जाता है. आज भी बारात निकालने पे, मूछे रखने पे, महाजन के घर को पार करने पे, अच्छे कपड़े पहनने पे, अच्छी एक अच्छे उच्च अधिकारी के पद पे बैठने पर भी लोगों को जातिगत उत्पीड़न झेलना पड़ता है. मैं देश के जितने भी अंबेडकरवादी विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, नेता हैं, सामाजिक संगठन, सबसे अपील करता हूं कि वे भाजपा सरकार के इस फैसले का कड़ा सामूहिक विरोध करें. उनको बताएं कि हम इस फैसले में उनके साथ नहीं है. हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करते हैं, बहुजनों के लिए अधिकार चाहते हैं, संपन्न लोगों के लिए नहीं चाहते. इस देश की 90% पूंजी रोज बताता हूं 10% लोग कब्जे में, इस परसेंट की 80% भूमि 10% लोग कब्जे में, और आज आप उनके लिए 50% आरक्षण पहले से था उनके पास, 10% और दे रहे हैं. किसका काट रहे हैं? जागना पड़ेगा ओबीसी को. ये हम लागू होने नहीं देंगे. अगर सरकार ये करेगी तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे, संवैधानिक आंदोलन करेंगे, सरकार लाठी मारे, जेल भेजे, कुछ भी करे, लेकिन अगर संविधान के विरोध में कुछ होगा वो किसी सूरत में करने नहीं दिया जाएगा. ये याद रहे सरकार को, इस देश में अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग जिंदा हैं और वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे. भाजपा सरकार ने पहले SC ST OBC का जो आरक्षण है कई क्षेत्रों में निष्प्रभावी कर रखा है, आज तक लागू नहीं होने दिया मनवादी दलों ने, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार सो कॉल्ड अपर कास्ट के साथ देश के दूसरे गरीब तबके, अगर आपको आरक्षण देने का इतना ही मन है ना, आप आर्थिक आधार पर करना चाहते हैं, तो अपर कास्ट से पहले आपको मुस्लिम नहीं दिखाई देते, बुद्धिस्ट नहीं दिखाई देते, आपको ईसाई नहीं दिखाई देते, उनके लिए तो कभी आप बात नहीं करते. देश में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, मुसलमानों के हालात बहुत खराब है, ईसाइयों के हालात बहुत खराब है, बुद्धिस्टों के हालात बहुत खराब है, ओबीसी के हालात बहुत खराब है, उनके लिए तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको यह दिखाई दे रहा है कि भाई इस देश में सामान्य जाति के लोगों को बहुत परेशानियां हैं. क्या सामान्य जाति के लोग कभी जातिगत अपमान से उन्होंने सहा है? क्या जाति के नाम पर उनको कभी बेइज्जत किया जाता है? क्या जाति के नाम पे हीन भावना का शिकार वे होते हैं? ये गलत है. अगर सरकार को कोई कदम उठाना है तो कमजोर वर्गों के लिए उठाए, वरना हम उनकी पॉलिसी से अवगत है, हम उनके पूर्ण रूप से विरोधी हैं, इसका भी विरोध करेंगे.
ये लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसको बिल्कुल सरकार समझ ले, कितना भी मन बना लो, इस देश में वंचित शोषित पीड़ितों के अधिकार आपको नहीं छीनने दिए जाएंगे। हम पूरे बहुजनों के साथ खड़े, 85% के साथ खड़े, 85% लोगों के अधिकार आप लोग नहीं छीन सकते हो। जय भीम, जय भीम आर्मी। पाहत रहा सम्यक न्यूज लाइव। बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूब वर सब्सक्राइब करा।